Good morning, children. Welcome to your moral value class. Take out your moral value book. Okay. We have done chapter 1. We have completed chapter 1. Blessings of God. We have completed this. Then we have complete all these. I think all you have done. Okay. So, and second chapter. God sees all. Second chapter, God sees all. मतलब इसका क्या होता है? परमेश्वर हमको देखते हैं. हम सबको देखते हैं. ये है chapter का name. हमने उस दिन chapter आपको मैंने voice message भेजा. आप सबने सुना होगा बेटा, है ना? ये क्या थी? ये डिकिडाप थी. Hunter था, है ना? क्या कर रहा था? ये hunter इसको shoot कर रहा था. लेकिन जैसे उसने अपना एम करा, जैसे उसने अपना निशाना लगाया, एक मैंगो आके इसके हेड पे गिर गया. तो उसका एम, जो उसका एम उसने निशाना लगाया था, वो क्या हो गया? मिस हो गया. मिस हो गया. और वो बर्ड वहां से मैंगो ट्री से उड़ गई थी. उड़ गई और वो सेफ हो गई. तो बेटा, गॉड हम सबको, ही प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डेंजर. गॉड क्या होता है? हम सबको डेंजर से प्रोटेक्ट करते हैं. आपको हर परेशानी से, हर प्रॉब्लम से कौन निकालता है? हमको परमेश्वर निकालता है बेटा. इस चैप्टर में ये सीखा था हमने. ओके, देन थॉट ऑफ द डे. गॉड इज अ प्रोटेक्टर. गॉड इज अ प्रोटेक्टर मतलब, गॉड इज अ प्रोटेक्टर मतलब परमेश्वर हमको अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखता है. हमको वो सुरक्षित रखता है. गॉड इज अ प्रोटेक्टर. वो हमको सुरक्षित रखता है हर प्रॉब्लम से. चाहे हम बाहर खेलने गए हों, अभी जैसे COVID-19 चल रहा है, तो हमको कौन संभाल रहा है? हम किससे प्रार्थना करते हैं? हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और वो हमको इस COVID-19 से बचाते हैं. हम सब सुरक्षित हैं क्योंकि हम सब उनसे प्रार्थना करते हैं, इसलिए हम सब सुरक्षित हैं परमेश्वर में. ठीक है ना बेटा? तो गॉड इज अ प्रोटेक्टर. चाहे हम बाहर खेलने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, लेकिन हमकी हमारी हर मदद, आके मम्मी बाहर जाती हैं, पापा बाहर जाते हैं, दादी नानी कोई भी बाहर जाएगा, लेकिन वो सब गॉड में क्या है? प्रोटेक्टेड है. तो कौन संभालता है हमको? गॉड हमको, परमेश्वर हमको संभालता है बेटा. इस चैप्टर का ये मीनिंग है. सो बेटा, यहाँ पर एक्सरसाइज है. टिक राइट द राइट आंसर. Tick the right answer. Where was Dicky Duck sitting? कहाँ बैठी थी? On a tree, on a house. कहाँ बैठी थी? On a tree. तो आपको यहाँ पे टिक करना है राइट. Second, he wanted to kill Dicky Duck. कौन मारना चाहता था Dicky Duck को? A hunter, a snake. कौन मारना चाहता था? A hunter. तो अपन उस पे टिक लगा देंगे. थर्ड, वाई डज द हंटर मिस हिज एम. उसने अपना एम, अपना निशाना कैसे मिस कर दिया था? क्योंकि उस पे क्या आके गिरा था? मैंगो. एक मैंगो आके गिरा था, इसलिए उसने अपना एम जो था, निशाना था, वो मिस हो गया था. बिकॉज ऑफ अ मैंगो. बिकॉज एन ऑरेंज, तो अपन किस पे टिक करेंगे? बिकॉज ऑफ एन मैंगो. हु इज अ सेवियर. हु इज अ सेवियर बेटा? कौन है अपना सेवियर? अपना सेवियर कौन होता है? परमेश्वर, गॉड. गॉड इज अ सेवियर. तो अपने को टिक किस पे टिक करना है? गॉड, द गॉड. किस पे टिक करोगे आप? बी पे, द गॉड. फाइंड आउट द हिडन वर्ड्स फ्रॉम दिस गिवन पजल. बिलो, फाइंड आउट द हिडन वर्ड्स फ्रॉम द गिव फ्रॉम द लेसन गिवन इन द पजल. ये एक पजल है. ये एक पजल है. पजल आप सब गेम्स भी खेलते हो, पजल गेम्स भी आते हैं, आप लोग खेलते होगे ना. ऐसे ही ये एक पजल है. पजल है. यहाँ पे पिक्चर्स दे रखी है. किसकी दे रखी है? गन, हंटर, मैंगो, ट्री. गन, गन की है, हंटर, मैंगो, ट्री. अब इस पजल में यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पे एच लिख रखा है, यहाँ पे जी है, एम एन ओ आर ई.
इस पजल में आपको इन सारी पिक्चर्स के नेम लिखने हैं। अब यहाँ पे पहले लिखा है एच, फिर जी लिखा है, तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे? जी के बाद यहाँ पे गन है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन जी यू एन गन। क्या हो जाएगा ये? जी यू एन गन। ओके, देन है मैंग, एम, यहाँ पर एम हैगा, एम एन ओ लिखा है, तो अपने को क्या लिखना है यहाँ पे? ए एन जी, तो हो जाएगा एम ए एन जी ओ मैंगो, एम ए एन जी ओ मैंगो। ओके, देन यहाँ पे है, यहाँ पे नीचे वाले में ब्लैंक है, फिर यहाँ पे आर और ई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्री, टी आर ई ई, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? टी एन ई। ओके, अब आपको इधर से स्टार्ट करना है वापस, ऊपर से देखिए यहाँ पे एच एन आर है, अब यहाँ पे क्या आएगा? एच यू एन टी ई आर, तो आपको क्या क्या लिखना है? एक तो यू एन टी ई, ये लिखना है आपको, ये हंटर हो जाएगा। ओके बेटा, ये आप करना बेटा कंप्लीट। ओके, देन हम नेक्स्ट थर्सडे वापस मिलेंगे अपनी क्लास के लिए, वापस हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप इस चैप्टर को हम स्टोरी के तौर पे पढ़ना, लर्न करना। ओके बेटा, आप ये एक्सरसाइज अपनी बुक में करना, अच्छे अच्छे राइटिंग में लिखना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा, बाय।